हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सनी विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिए, आज हमारी मम्मी जी बना रही है कटहल की सब्जी और योगेश उसमें मदद करवा रहा है मसाले वगैरह। और भी हमारी मम्मी कटहल को कटिंग कर रही है। ये वाली कटहल है, देखो पूरा कांटा कांटा सा होता है इसके ऊपर। ऐसे कटिंग हो गया बढ़िया तरह से। देखो ये पूरा इतना सारा कटहल काट दिया। मैं लेके आया 1.5 किलो कटहल लेके आया था। मानव बैठा है हमारी मम्मी, तेल से काटा है, तेल से। तो आज हमारी मम्मी की याद की खाएंगे और बहुत बढ़िया सब्जी बनाती है। राम राम सबके लिए राम राम। हाँ, सोनी के पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मदद करवा। गुड मॉर्निंग कर रहा है योगेश। और योगेश ने क्या कर लिया है, इधर लहसुन छील लिया और 3 प्याज और प्याज ले ले होगे। और इधर देखो इनमें किस लिए जंग हो रही है पता नहीं। ये कौन सा बॉर्डर इनका लेके जा रहा है कोई? विवेक यो पसो भर के और जो उल्लाए देवे करो मजा के हैं उल्ला। दोस्तों उधर 2-4 दाने रह गए थे, इसीलिए उनमें झगड़ा हो रहा था। मैं खाऊंगा तो अभी डलवाता हूँ। ये सब पंछियों के लिए रखा है इसमें बाजरा, उन्हीं का है। सिर्फ हमारा काम तो डालने का है। डाल दो उधर ले जाके। ऐसे फैकेट आ रही हो? ऐसे नहीं, जो फैकेट आ रही है पूरी छत पे जाओ बनना थे। हाँ डाल यो फैला दे दूर ना। बस मानव इधर अपने घोड़े से खेल रहा है। हाय करी तेने, गुड मॉर्निंग करी? गुड मॉर्निंग मानव बोल रहा है। विवेक भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है, लेट बोलता है। आज मत धोलो यार। सोनी ना आराम कर रही है इधर, देखो ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है पेट में सोनी के में। राम राम ले लो सोनी, राम राम कर रही है। राम राम माता बहन सर, आराम करते हो। पूरा चिकन पीस जैसा है और इसका स्वाद भी लगभग ऐसा ही लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। एकदम मटन चिकन जैसा ही बनता है ये कटहल। ले हटाए के मसाले ने। अभी कबूतर आ गए, 2 थे अभी 4 हो गए। अभी थोड़ी देर में बहुत सारे हो जाएंगे इधर। कल गुजा बना ली। दोस्तों पहले सोनी ने बनाया था कटहल को उबाल के, और हमारी मम्मी की जो डिश है वो अलग तरीके से बनाती हैं, तो वो देखते रहिए और बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। तो हमने लिया यहाँ पे 1 गांठ और प्याज की मात्रा ज़्यादा है। प्याज हमने 4-5 प्याज लिए, इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है और मोटी मोटी प्याज कटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे धनिया ले लिया है हमारी मम्मी ने 1 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अभी लेंगे हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच में थोड़ा कम है। धनिया और बढ़ा दिया है हमारी मम्मी ने, 1.5 चम्मच धनिया कर दिया है। अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे। इसमें डाला है 1 चम्मच। अभी तेल गर्म हो गया, जीरा डाल दिया है, मसाला है उसमें मम्मी ने पानी डाल के गीला कर दिया इसको बहुत बढ़िया। और अभी ओ लहसुन प्याज दोनों डल गए। अभी प्याज मसाला जो डाला है मम्मी ने इसको बढ़िया तरह से भूनेंगे। अभी प्याज भुन गई बढ़िया तरह से, देखो कितना बढ़िया मसाला बना है। और अभी डाल देंगे हम इसमें जो हमने अभी इसको डालने के बाद में और बढ़िया भूनेंगे। मसाला बन गया एकदम, देखो चिकन मटन जैसा ही ग्रेवी बन गया है।
इसमें तेल भी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि हमारे मम्मी का बनाने का स्टाइल अलग है, सोने का अलग है। अभी कटहल को पूरा डाल के अच्छी तरह से इसको मिला देंगे, पूरा मसाले में मिल जाए। अभी देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है ना, मैचिंग हो रहा है ना एकदम चिकन मटन का। खुआ बना रही बुआ तवा थी, हमारी बुआ खुआ बना रही थी नीचे, वो गुजा वगैरह बनाएंगे ना उसी के लिए। दोस्तों देखिए आज तो तोता भी आए हैं, दो तीन है जोड़ा आया। अरे कहाँ जा रहे हो आई हजाओ, चमका रही है देखो थोड़ा थोड़ा है, गरम पानी करो देखा, चाय बना के दे दे तेरे को अभी। हाँ ये पानी छोड़ रहा है अपने आप देखो, और ये अच्छी तरह से थोड़ा भुन जाएगा, उसके बाद में पानी वगैरह डलेगा। तो मेरी मम्मी अभी इसको ढक के रख दिया है। दोस्तों अभी मैं आटा लगा के रख देता हूँ, मम्मी नीचे गई हैं, क्या खोआ वगैरह बना रही है तो उसको देख रही थी थोड़ी, थोड़ा मम्मी को आटा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आटा फिलहाल मैं लगा के रख देता हूँ जब तक आटा फूल भी जाएगा। और आज पहली बार देखने को मिलेगा मेरे हाथ का आटा लगा हुआ। आधा गिलास उसे डालो बस इन्हें, हमारी कटहरे भुनने के बाद में आधा गिलास मम्मी ने पानी डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अभी इसको ढक के रख देंगे, इसको बनने देंगे जब तक हम आटा लगा रहे हैं अपन। दोस्तों इसकी गुनाई करेंगे पहले बढ़िया तरह से, जितनी आटे की गुनाई होगी ना उतनी बढ़िया रोटी बनेगी, मस्त बनेगी जितनी आटे की गुनाई हो जाएगी। हाँ ऐसे हमारी अम्मा भी आ गई, अम्मा से राम राम कर लो, आशीर्वाद ले लो, राम राम कर लो अम्मा। अम्मा का भी आशीर्वाद मिल गया साथ साथ में, हमारी अम्मा हंस रही है, हैदराबाद में खाना बना रहा हूँ। दोस्तों अभी आटा मैंने लगा दिया, अभी देखो कितना बढ़िया आटा लगा दिया है, दिखाओ विवेक, ये देखो आटा ऐसे लगना चाहिए, पूरी परात एकदम मजी जैसी हो गई, बढ़िया। अभी थोड़ी देर, हाँ 15-20 मिनट के बाद में इसको फिर से गूंदेंगे, थोड़ा सा मावा बन जाएगा एकदम। अभी मैडम के लिए चाय बनानी है तो मैं फिलहाल अभी चाय बनाता हूँ सोनी के लिए, मैंने अदरक कूट रहा हूँ, ये देखो कितना, इसको मस्त चाय पिलाऊंगा आज सोनी को, फेवरेट। इधर देखिए दूध पानी चाय तीनों रख दिया है, और अभी अदरक को डाल दूंगा। हेलो मैडम जी, चीनी कितनी रखनी है, एक चम्मच दो चम्मच पूछना चाहिए ना दोस्तों, हाँ नॉर्मल या ज़्यादा, नॉर्मल रखनी होगी। अभी चाय बनाने का स्टाइल देखो हमारा, हमने पूरा चमचा ले लिया और इसको उबलने देंगे बढ़िया तरह से पहले। अभी हम अपनी सब्जी को थोड़ा सा चला देंगे, काफ़ी टाइम हो गया अभी, उधर चाय बन रही है सोनी की, जब तक इसको चला देता हूँ। देख सकते हो कितने मस्त मस्त पीस दिख रहे हैं, अभी इसको ढक के रख देंगे, जब सब्जी बनेगी बढ़िया। चाय के क्या हाल है, आ गया ना उबाल, ये अभी बनेगी सोनी की चाय। दोस्तों मैं चाय बनाता हूँ तो कम से कम तीन उबाल देता हूँ, तीन उबाल में चाय बढ़िया बनती है। आज की मेरी कुकिंग कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अभी चाय बन चुकी है और मैंने बहुत दिनों बाद आटा लगाया, 6-7 महीने बाद, कैसा लगाया है कमेंट करके जरूर बताना है ना। तो अभी सोनी को चाय दे, अभी चाय बन गई मैडम के लिए, ये देखो कितनी बढ़िया चाय है ना, कमेंट करके बताना कैसी चाय बनाई मैंने, आज गिलास भर के पिलाएंगे। अभी देखो चाय के लिए बेड से नीचे आ गई उतर के, हाँ ले चाय पी, जा थोड़ी सी चाय बची जाए पी ले क्या, मम्मी मम्मी पिया चाय, मम्मी ये बताइए
चाय कैसी बनाई है? बढ़िया बनाई है, बढ़िया बनाई है मैंने चाय, तारीफ हो रही है मेरी आज। दोस्तों अभी हमारी सब्जी बन गई, बस अभी इसको नीचे उतारेंगे और ये हमारा स्पेशल सब्जी मसाला, तो अभी सब्जी मसाला डालेंगे फिर सब्जी का दुगना स्वाद हो जाएगा। ये देखो कितनी मस्त दिख रही है ना कटहल की सब्जी, गजब के पीस दिख रहे हैं दोस्तों, गजब के। लाइक कर दो वीडियो को, अभी स्वाद स्वाद में घुस जाओगे, लाइक नहीं कर पाओगे। हमारी सब्जी बन गई, अभी इसको उतार लेंगे। ये कहे चाय पी के आराम मिलेगा, सो आ गई। अभी बच्चों की वजह से जल्दी जल्दी पहले रोटी बना देते हैं। अभी गाय की पहली रोटी बन गई चंदिया, बच्चे स्कूल जाने को तैयार बैठे। देखो यो विवेक तो बैग लगा के तैयार है, बस खाना बनते ही टिफिन लगा के ले जाएंगे। काय का उदम कर रहे योगेश, काय की उदम कर रहे, तो दोनों जने खा लो मिल गए। ये देखो मैंने जो आटे में मेहनत की ना अभी दिखेगी आपको, देखो रोटी कैसे फूल गई, गुब्बारे जैसी पंचर हो गई, लेकिन दम दे रही है। गाय की रोटी है ये, तो अभी पहले गाय की रोटी पहुंचाते हैं, उसके बाद बच्चे ले जाएंगे इसको। बेबी का घर टमाटर खा रहा है, और देखिए दोस्तों अभी रोटी हमारी एकदम मस्त फूल गई ना गुब्बारे जैसी। इधर सोनी ने धनिया कटिंग कर दिया, तो अभी सब्जी में धनिया डल जाएगा और खुशबू आने लगेगी। अभी सब्जी में डाल देंगे गरम मसाला, वो सब्जी मसाला और धनिया। ये है धनिया, हरे 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 धनिया, पीछे पर गया बनिया। ये डल गए धनिया, अभी देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या मस्त सब्जी बनी है। मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में पानी खुशबू के सूखते। लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़। अभी एक दो दिन पहले एक कमेंट आया था, भाई जी लाइक के लिए बोलते हो, ज़बरदस्ती लाइक करवाओगे? भाई अपना पर ही तो ज़बरदस्ती करते हैं और किस पे करेंगे। ये देखो हमारी मम्मी कितनी बढ़िया बढ़िया रोटी बनाई ना, ये देखो फुली 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 मस्त मस्त। जिसका मन नहीं करेगा खाने का उसको भी अभी भूख लग जाएगी इसको देख के। अभी योगेश विवेक का टिफिन लग गया, रोटी रखनी लगी, सब्जी रख दी टिफिन में। अभी बच्चों की रोटी लग गई, गैया की लगा देने बार दिया। विवेक गाय को चंदिया देने के लिए गया है, और देखो गाय कैसे भाग कर आई। विवेक को देखते ही उसको पता चल जाता है कि हाँ अभी मेरी रोटी आ गई। जेवर गई, थोड़ा सा आराम मिल गया। देखो चाय पी के मेरे हाथ की है, अभी ईंधन तोड़ने के लिए बैठ गई है। सुनिए आराम कर लेती, और अभी दोनों स्कूल चल दिए टिफिन लगा के। दोस्तों हमारी मम्मी भी परेशान हो रही है रोटी बनाने में, तो अभी फिलहाल मैं ही बनाता हूँ। आधी रोटी तो बेलन की हो गई और आधी रोटी मेरे हाथ की खाई है आज, मैं बनाऊँ हाथ की। योगेश विवेक चले गए, नहीं तो बोलते हाथ की रोटी लेके जाऊँगा। दोस्तों हाथ की रोटी खा लो, आज माँ बेटे दोनों रोटी बना रहे हैं। देख लो एक सोनी के परेशान होने से कितने लोग परेशान हो जाते हैं। ये देखो रोटी कैसी बड़ी बड़ी रोटी बनाई मैंने, ये देखो इधर दिखाओ। ये देखो इतनी बढ़िया बढ़िया रोटी बनाई, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, हाथ की रोटी है ये, हाथ के अंगे। तो अभी हमारी रोटी सभी बन गई। दोस्तों अभी हमारी मम्मी लड्डू बना रही हैं पापा जी के लिए, नाश्ते में जो सुबह ले लेते थे वो भी ख़त्म हो गए और हमको खाना मिल गया। तो अभी देखिए सब्जी कितनी मस्त दिख रही है, कटहल की सब्जी और काफ़ी गजब की खुशबू आ रही है इसमें से, तो प्रभु का भोग लगा के और अभी हम खाते हैं और आपको स्वाद ज़रूर बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है ना। अभी देखिए अभी खाएंगे, हाथ की रोटी हैं काफ़ी मुलायम रहती हैं ये, थोड़ी मोटी बनाते हैं ना हाथ की रोटी, तो इसलिए मुलायम रहती है घी से लगी हुई। अभी देखो कितनी बढ़िया सब्जी है, तो आप खा लीजिए और मैं आपको खा के बताता हूँ। तो वाव बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, सुपर, बहुत अमेजिंग सब्जी बनी है। दोस्तों मम्मी ने लड्डू भी बना दिए, देखो खोवा के लड्डू बनाए, आटा फोर के डाल दिया इसमें, पापा जी के लिए सुबह के लिए नाश्ता तैयार हो गया। अभी मैंने खाना खा लिया और अभी लेकिन एक लड्डू मारूंगा मम्मी ने बनाए जो पापा जी के लिए,
अभी एक लड्डू और खाएंगे, काफ़ी स्वादिष्ट हैं, खोवा वाले, मावा मावा डाला हुआ है। चलो आप भी खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। मम्मी की तबीयत खराब होने से पता चला, अब चला पता हाँ, भूख लगी तो खुद रोटी बनानी पड़ेगी। हाँ कैसी रोटी बनाई है बताइए। मम्मी ने आटा लगा दिया थोड़ा सा बच्चे के लिए, तेने लगा हुआ है हाँ। और विवेक की पहली रोटी देखो। बना तो ली खाने के लिए, इतना तो हो गया। तो अभी सभी का खाना पीना हो गया और सबने खाना खा लिया। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।